अदनान शेख का रिप्लाई आ गया है एल्विश यादव के लिए। घर से यानी बिग बॉस के घर से बाहर आते ही अदनान शेख लाइव आए और उन्होंने पहले तो सबको धन्यवाद दिया, जितने सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया उनको दिल से धन्यवाद दिया और कहा भैया आप लोगों की प्यार की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके से बिग बॉस ने अनफेयर इविक्शन किया है, इस पर तो मैं कहूंगा कि बिग बॉस ने अनफेयर किया है। लेकिन अब बाहर आया हो तो तमाम सारे जो नकली गैंगस्टर हैं, यानी कि एल्विश यादव को सीधे सीधे कह रहे हैं कि तमाम सारे जो नकली गैंगस्टर जो मेंढक की तरह बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं फिर बिल में दुबक जाते हैं, इनको बारी बारी से जितने भी लोग हमें गालियां दे रहे हैं हमें उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं और उनको मैं सबक सिखाने वाला हूं, इनका सिस्टम हैंग करने वाला हूं। एक नकली गैंगस्टर आया था और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर, मेरा एक दोस्त भी आया था शो पे जिसके सामने कोई और एक नकली गैंगस्टर आया था और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया। बहुत सारे नकली गैंगस्टर लोग की आवाज भी बहुत निकली है तो अभी एक एक का उतारा लेऊंगा, सबका टोटल होगा, सबका हिसाब किताब होगा। सिस्टम को हैंग करना है अभी, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें आके की है ना कि किसको क्या इलाज की जरूरत है, तो अभी आके सबका एक एक का इलाज करेंगे। तो अभी थोड़ा देख लेता हूँ कि कितनी बातें हुई हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हैं तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेता हूँ फिर एक बार में लेंगे उतारा। यानी कि एल्विश यादव को सतर्क हो जाना चाहिए, भैया अदनान शेख बिग बॉस से बाहर आ चुका है और उसने बिग बॉस के अंदर सिर्फ 4 दिन काटे। लेकिन हाँ भैया मैं भी कहूंगा कि अदनान शेख के साथ अनफेयर किया बिग बॉस वालों ने, भैया कटारिया को बाहर करने के लिए अंदर घुसा था लेकिन उससे पहले ही मतलब बंदा 4-5 दिन ढंग से खाना भी ना खा पाया कि बिग बॉस वालों को ये ना सूझा कि बाहर कर दिया। अब अदनान शेख काफी गुस्से में है, उसकी टीम वाले काफी गुस्से में है, इस तरीके से बाहर कह रहा था भैया कटारिया का सिस्टम हैंग कर देंगे, एल्विश यादव को पताल लोग पहुंचा देंगे, इन सब लोगों को लपेट के घोर के पी जाएंगे। अब ये लोग सारे परेशान है कि यार बिग बॉस ने गलत कर दिया, मुझे भी लगता है यार गलत कर दिया, बिचारी को बुलाकर 2-3 दिन में घर से 4 दिन में बाहर कर दिया, इतना बुरा लगता है यार। मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड को एकदम से कौन सा डस्टबिन कार्ड बना के बाहर कर दिया, ये नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर जिस तरीके से बाहर निकलकर अब धमकियां दे रहा है और कह रहा है एल्विश यादव का सिस्टम हैंग कर दूंगा और सुन लो जितने भी ट्रोलर हो तुम्हें भी ऐसी तैसी कर दूंगा, अगर यही अदनान शेख तुम घर के अंदर कर दिए होते तो आज बेघर नहीं हुए होते। भाई इन अदनान शेख की इन्हीं सब हरकतों को देख के बिग बॉस वालों ने कहा कि भैया इसे अंदर डालो, अंदर डालो, जल्दी डालो, ये मसाला देगा, चटपटा देगा, घर के अंदर जाएगा, तहस नहस कर देगा, भंडाधार कर देगा, घर में लड़ाइयां होंगी, एकदम से कटारिया को एकदम काट के चटनी बना के पी जाएगा। लेकिन भैया ये तो घर के बाहर जैसे ही घुसा ये सुतली बम की तरह फुस हो गया और इस कहने लगा भैया जो मेरे से अच्छा है मैं उससे अच्छा रहूंगा और ये कटारिया को हेड ऑफ हाउस बनाना चाहता था, जिन सब चीजों को लेकर, और कई सारी ऐसी चीजें थी मतलब बाहर की चीजें बता रहा था कि भैया ऐसा हो गया इंडिया टीम जीत गई है और ये हो गया वो हो गया, इन सबको लेकर बिग बॉस गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया, तेरे को भी बाहर निकलना है, तुझे भी और सोशल मीडिया में तुझे गालियां दे रहे उनको भी तो ठीक करना है। अब अदनान शेख जी से मैं कहूंगा कि अगर आप यही चीज घर के अंदर की होते तो आज आप घर के अंदर होते और आप सबको आज ऐसी तैसी कर रहे होते, लेकिन अब बाहर निकले हैं तो एल्विश यादव को भी चेतावनी है उन सारे लोगों को कि भैया सतर्क हो जाइए, अदनान शेख बाहर आ गया है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग क्या सोचते हैं अदनान शेख की इस कमेंट पर, जिस तरीके से लाइव होकर आया और सब चीजों को बताया, एक एक का हिसाब लूंगा, एक एक का, एक एक को काटूंगा, एक एक को, एक एक को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, बारी बारी से हिसाब होगा, चाहे वो लक्ष्य चौधरी हो, चाहे ठगेश हो, चाहे एल्विश यादव हो, या रणवीर हो, जितने भी लोग हो, या रजत दलाल हो, जितने भी लोगों ने उसको उसके हवा भरी थी ना बिग बॉस के अंदर जाने के बाद, उन सब की वो लाइन टाइट करेगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं अदनान को लेकर, अदनान का इविक्शन फेयर था या अनफेयर कमेंट में जरूर बताएं और जिस तरीके से धमकी दे रहा है एल्विश यादव को और तमाम सारे उनके गैंग को सिस्टम हैंग करने को कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।